अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है, भैया का बजट नहीं था अलॉय व्हील का, तो अलॉय व्हील नहीं लगाया हमने, व्हील कैप लगा दिए हैं। अगर आपको चाहिए अलॉय व्हील तो आपको मिल जाएगा ओनली 20,000 रुपए का, बेस टू टॉप पे। अगर सिंगल आइटम चाहिए तो आपको मिलेगा 24,000 रुपए का, ठीक है। बेस टू टॉप कराओगे तो 20,000 रुपए का अलॉय व्हील था। साइड मिरर आप आ जाओ 7,500 रुपए के, 7,500 रुपए इंडिकेटर वाले, ये देखो जी इंडिकेटर तो नहीं आता इसमें, जो हमने लगा दिया ना रियांश कार पर लगता नहीं। नवरात्रि ऑफर रहेगा ना स्पेशल वाला, तो अभी से स्टार्ट कर देना, स्टार्ट है ना 9 दिन के लिए। कुछ लोगों के पास 2-4 दिन के बाद ही वीडियोस पहुंचेंगी, उसके बाद पता लगेगा नवरात्र में क्या करना है नहीं करना, कहाँ गाड़ी लेके जाना नहीं लेके जाना, जब पता लगेगा। अच्छा तो क्या ऑफर निकाल दिया इस बार? ऑफर निकाला इस बार 1,00,000 में बेस्ट टू टॉप, तो उसमें क्या क्या फीचर आ जाएगा? सब कुछ करके दूंगा भैया, पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ क्या क्या करके दूंगा और क्या क्या रहेगा। वेलकम राइड से पहले पावर विंडो दिखाओ ना भैया, कौन सी महिंद्रा दे रही है? प्लेन प्लेन दे रही है महिंद्रा, इसके बिना कहाँ से S11 लगने लग गई सर। डोरी चेंज कर देगा पूरा? और क्या, डोरी तो चेंज होता है S11 में, ये N थोड़ी ना जो स्विच चेंज कर दिया, हो गई टॉप मॉडल, इसमें पूरा दरवाजा चेंज होता है पावर विंडो के साथ। अच्छा ठीक है यार, ये तो बढ़िया है, ये चलते हैं ना? बिल्कुल चलते, चाबी तो लगाओ, चाबी निकाल रखी है मैंने, ये लो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब चलाओ। हाँ चल तो रहे हैं। रूफेल्स लगा दिया हमने, और रूफेल्स का ऑफर तो आपने बता ही रखा है लास्ट वीडियो हमने, अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर इस वीडियो में बताया था 5,000 रुपये का रहने वाला है, 5,000 रुपये का रूफेल। और ये है ड्रिल वाला, जैसा कि पूरी गाड़ी हिल गई, कोई कहीं पे है नहीं, गाड़ी से ज़्यादा तो भैया के बाल हिल रहे हैं। स्पॉइलर की पहचान है वॉशर, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है भैया बिल्कुल, तभी तो मैं दिखा रहा हूँ पहचान, वॉशर और पेंट के साथ है बिल्कुल भाई। उसके इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है वाइपर का, तो वाइपर भी आप ऑन करवा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग रहती है आपकी 7,500 रुपये। ओके भाई, ये सारे रेट्स मैंने आपको बेस्ट टॉप वाले बताएं, तो सेम प्रोफाइल इस साइड से भी रहने वाली है बिल्कुल। उसके बाद दिखाते हैं अंदर, बाहर से तो हमने जैसा बना दिया, अंदर से दिखाते कि S11 DR लग गए टॉप मॉडल वाले, ओके नीचे फॉग लैंप लग गए, ओके हेडलाइट में LED लगा दी, अगर हेडलाइट चाहिए तो आपको हेडलाइट भी चेंज करके दे दूंगा, बट उसमें येलो बल्ब आते हैं तो उसमें भी आपको LED इंस्टॉलेशन कराना ही पड़ेगा। ओके अगर आपकी नीड है कि आपको DRL चाहिए टॉप मॉडल वाली हेडलाइट चाहिए तो वही मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा ओनली 13,000 रुपये का, ठीक है। और अगर आपको LED लगवानी है तो अपना 3500 से लेके 4500 5500 हर रेंज की आपके LEDs 1 ईयर से लेके 2 ईयर की वारंटी तक में स्टार्टिंग में। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रवि सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए हैं रियांश कार एसेसरी, जो कि अपना करोल बाग में है हमारे साथ। भाई भाई अपन नाम बताइए अपना। रोहित। रोहित भाई हमारे साथ है, आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2024 स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है भैया। अच्छा S11 होगी है? होगी। थी कौन सी? एस थी। अच्छा एस थी, ठीक है। तो गाड़ी आई थी बरेली से है, तो गाड़ी बना दी टॉप मॉडल, देखो आपके सामने है। यार मेरे को तो नहीं लग रहा टॉप मॉडल बनेगा। ये बम्पर अब कस्टमर की डिमांड थी कि पेंट ही नहीं कराना, तो पेंट तो ये भी करके देते हैं हम, वो भी मार्केट से कम रेट में बिल्कुल। तो इस बार कोई ऑफर रहेगा या नहीं? नवरात्रि ऑफर रहेगा ना स्पेशल वाला, तो अभी से स्टार्ट कर देना। स्टार्ट है ना 9 दिन के लिए, कुछ लोगों के पास 2-4 दिन के बाद ही वीडियोस पहुंचेंगी, उसके बाद पता लगेगा नवरात्र में क्या करना है नहीं करना, कहाँ गाड़ी लेके जाना नहीं लेके जाना, जब पता लगेगा। अच्छा तो क्या ऑफर निकाल दिया इस बार? ऑफर निकाला इस बार 1,00,000 में बेस्ट टू टॉप। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो उसमें क्या क्या फीचर आ जाएगा? सब कुछ करके दूंगा भैया, पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या करके दूंगा और क्या क्या रहने वाला है। क्या क्या? स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट ग्रिल से। अच्छा फ्रंट का ग्रिल आप देखो, टॉप मॉडल वाला आपका ग्रिल लग गया बिल्कुल, DR लग गए टॉप मॉडल वाले, ओके नीचे फॉग लैंप लग गए, ओके हेडलाइट में LED लगा दी, अगर हेडलाइट चाहिए तो आपको हेडलाइट भी चेंज करके दे दूंगा, बट उसमें येलो बल्ब आते हैं तो उसमें भी आपको LED इंस्टॉलेशन कराना ही पड़ेगा। ओके अगर आपकी नीड है कि आपको DRL चाहिए टॉप मॉडल वाली हेडलाइट चाहिए तो वही मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा ओनली 13,000 रुपये का, ठीक है। और अगर आपको LED लगवानी है तो अपना 3500 से लेके 4500 5500 हर रेंज की आपकी LEDs 1 ईयर से लेके 2 ईयर की वारंटी तक में स्टार्टिंग हो जाती है। जो भी आप सामान बताओगे गाड़ी के अंदर, वो 1,00,000 रुपए में तैयार हो जाएगी गाड़ी बोल दूंगी। नहीं जो बताऊंगा वो नहीं, अब किसी का बजट 1,00,000 का होता है, किसी का 2,00,000 का होता है, ये कमेंट भी नहीं कर सकते ना, झूठ नहीं बोल सकते ऑन चैनल कि भैया 1,00,000 में करके देंगे, यहाँ आने के बाद फ्रॉड करे, वो नहीं होगा। बट 1,00,000 में आपकी गाड़ी बेस्ट टॉप हो जाएगी, वो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा और वीडियो में बोल के बता दूंगा कि 1,00,000 में आपकी गाड़ी में क्या क्या करके दूंगा, ठीक। अभी बाकी हमने इस गाड़ी में जो काम करा है वो आपको बता रहे हैं। फ्रंट प्रोफाइल से आपने देख लिया, फ्रंट की ग्रिल हमने चेंज कर दी, DRL लगा दी, फॉग लाइट लगा दी, फॉग लाइट में LED भी लगा दी, हेडलाइट के अंदर LED की भी इंस्टॉलेशन कर दी, और ये दिख रहा होगा आपको कैमरा बिल्कुल 360 में बाहर की तरफ आता है, जैसे कि नॉर्मल कैमरे से अलग होता है। और अब मैं कोई निकाल के तो नहीं ले जाएगा कंट्रोल?
कैसे निकाल लेगा भैया? वो एक मोटे से आदमी है वो ले जाते हैं। से प्लेसमेंट होती है। और आपको इसको दिखाते हैं हम फॉग लाइट की रिस्पांस। ये देखो फॉग लाइट की एलईडी, ये लग गया अपनी हेडलाइट में। बड़ी तेज लाइट आ रही है यार। तेज नहीं आएगी तो ये तो अंधा ही कर रहे हो तुम तो यार बंदों को। इतनी ना रोशनी लगानी नहीं चाहिए वैसे। नहीं आजकल ऐसा है ना कि आप चलाओगे तो अपने हिसाब से चलाओगे ना। नॉर्मल आप लो बीम पे करके सिटी में चलाओ, हाई बीम पे हाईवे पे चलाओ, ताकि आपको भी दिखने में कोई दिक्कत ना हो। आजकल के बंदे सिटी में भी हाई बीम चलाते हैं ना। वो तो चलाना है, फिर तो आप चलान भरो, जेब में पैसा रखो, हाई बीम पे चलाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लाइटें सारी ऑन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो कुछ भी करोगे पाजी। उसके साइड व्हील से आते हैं तो इसमें आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। भैया का बजट नहीं था अलॉय व्हील का, तो अलॉय व्हील नहीं लगाया हमने, व्हील कैप लगा दिए हैं। अगर आपको चाहिए अलॉय व्हील तो आपको मिल जाएगा ओनली 20,000 रुपए का, बेस टू टॉप पे। अगर सिंगल आइटम चाहिए तो आपको मिलेगा 24,000 रुपए का। ठीक है, बेस टू टॉप कराओगे तो 20,000 रुपए का अलॉय व्हील था। साइड में आप आ जाओ 7,500 रुपए के, 7,500 रुपए इंडिकेटर वाले। ये देखो जी, इंडिकेटर तो नहीं आता इसमें, जो हमने लगा दिया ना रियांश कार पर लगता नहीं इंडिकेटर। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इंडिकेटर लगा के दे रहे क्लासिक में S11 से ऊपर। हाँ जी, क्या बात है भाई, ये क्या है? ऑटो फोल्ड नहीं होता ना इसमें। अच्छा, ऑटो फोल्ड नहीं होता, एन में होता ऑटो फोल्ड। अभी तो आप कर रहे थे ऑटो फोल्ड बीच में। ऑटो फोल्ड नहीं, ऑटो फोल्ड किसने नहीं किया और ना करते हैं, क्योंकि ऑटो फोल्ड करेंगे तो आपकी वायरिंग कटनी पड़ती है, तो आपकी वारंटी अवॉइड हो जाती है। महिंद्रा काट दो वायरिंग तक, नहीं फायदा नहीं ना कस्टमर का नुकसान करके। उसके बाद कर दी डोर वाइजर की प्लेसमेंट, जो कि आपकी गाड़ी को रेन वाइज मतलब रेन जो होता है बारिश से ही बचाती है। डोर वाइजर, रेन वाइजर। हाँ रेन वाइजर। और आपकी गाड़ी को जैसे आप यहाँ से पानी अगर जाता है आपकी पूरी ये गाड़ी अंदर तक गीली हो जाती है और ख़राब हो जाता है, पूरा जंग लग जाता है। उसके लिए सेफ्टी के लिए आपको लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसमें क्रोम लाइन लगा दी है तो आपकी गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक देती है, लुक वाइज भी। उसके बाद आगे रूफ रेल्स। हाँ तो रूफ रेल्स लगा दी हमने, और रूफ रेल्स का ऑफर तो आपने बता ही रखा है लास्ट वीडियो हमने, अगर आपने देखी होगी तो। उसके बाद मैं इस वीडियो में बता देता हूँ 5,000 रुपये का रहने वाला है। 5,000 रुपये का रूफ रेल्स। और ये है ड्रिल वाला। अच्छा, जैसा पूरी गाड़ी हिल गई, कोई कहीं पे है नहीं। गाड़ी से ज्यादा तो भैया के बाल हिल रहे हैं। फुटरेस्ट का जेनुइन वाला भी मिल जाएगा। ओके, ये अपना बेस मॉडल का फुटरेस्ट रहने वाला है। ठीक, अगर है। आपको S11 का फुटरेस्ट चाहिए तो मिल जाएगा 5,000 रुपए का। ओके भाई, मैं और वीडियो रेट भी बता रहा हूँ और बाकी टोटल कॉस्ट बता दूंगा। उसके पीछे बैक फल से लगा दिया स्पॉइलर और पिलर लाइट। ठीक है, और नीचे लगाया हमने रिफ्लेक्टर और रियर गार्ड। तो मैं रिफ्लेक्टर और पिलर लाइट जला के दिखा देता हूँ, उसका दिखाएंगे रियर गार्ड की टेस्टिंग। ये तो ऊपर को जा रहे हैं। हाँ जी, ऊपर को जा रहा है शायद। क्या जा रहा है ऊपर? इंडिकेटर। अभी जल्दी कहाँ है ये? क्या लगा रखा लाइव न्यूज अभी जल्दी? ये 24/7 हमारे संपादक जी की गाड़ी है। ये लो जी, ये है जादू पिलर लाइट का। क्या जी, ऐसे में भी नहीं आता। इसकी तो टेल लाइट भी तो आ गई है मैट्रिक्स वाली। हाँ हाँ, बजट है तो वही मिल जाएगा ओनली 10,000 रुपये का। बेस्ट टॉप कराने पे सिंगल आइटम नहीं मिलेगा। अच्छा। बेस्ट टॉप कराओगे तो 10,000 रुपये का मिलेगा। और रियर गार्ड की टेस्टिंग आपको चढ़ के दिखा दो, लोग कहते हैं जेन्युइन नहीं है, ओएम नहीं है। ये लो जी, ये तो अभी से नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा भैया नीचे? लो जूम करके दिखाओ कहाँ आ रहा नीचे, इसी पे तो खड़ा हूँ मैं। मैं कस्टमर को बोलूँगा कृपया करके इनके बाल कटवाओ। क्या बढ़िया था गुरु। और बैक प्रोफाइल से आपको कैमरे की प्लेसमेंट दिखा दो, यहाँ कर दी है। okay. और जो स्पॉइलर हमने लगाया है इसकी ओरिजिनल स्पॉइलर की पहचान है वॉशर, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है। अच्छा। अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है भैया, बिल्कुल। जब तो मैं दिखा रहा हूँ पहचान वॉशर और पेंट के साथ है। बिल्कुल भाई। उसके इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है वाइपर का, तो वाइपर भी आप ऑन करवा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग रहती है आपकी 7,500 रुपये। ओके भाई, ये सारे रेट्स मैंने आपको बेस्ट टॉप वाले बताएं। तो सेम प्रोफाइल इस साइड से भी रहने वाली है। बिल्कुल। उसके बाद दिखाते हैं अंदर, बाहर से तो हमने जैसा बना दिया, अंदर से दिखाते हैं कि S11 कैसे बनती है। बिल्कुल भाई, तो इसकी पन्नी वन्नी तो हटा देते। पन्नी कस्टमर ने बोला भैया रहने दो, थोड़ी नई नहीं लगनी चाहिए। तो कोई बात नहीं भैया, नहीं लगने देंगे। तो भाई इंटीरियर में पहले तो वेलकम लाइट नीचे। वेलकम लाइट से पहले पावर विंडो दिखाओ ना भैया, कौन सी महिंद्रा दे रही है? प्लेन तो दे रही है महिंद्रा, इसके बिना कहाँ से S11 लगने लग गई? सर डोरी चेंज कर दिया क्या पूरा? और क्या, डोरी तो चेंज होता है S11 में। ये एन थोड़ी ना जो स्विच चेंज कर दिया, हो गई टॉप मॉडल। इसमें पूरा दरवाजा चेंज होता है पावर विंडो के साथ। अच्छा ठीक है यार, ये तो बढ़िया। ये चलते हैं ना? बिल्कुल चलते, चाबी तो लगाओ। चाबी निकाल रखी है मैंने, ये लो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब चलाओ। हाँ चल तो रहे हैं। और चाइल्ड लॉक भी लगा दिया भाजी, चाइल्ड लॉक चल रहा। चाइल्ड लॉक, चाइल्ड लॉक तो पीछे से वर्क करेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो उधर से आगे लगा रहे हो चाइल्ड लॉक। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो भाई ट्यूटर की प्लेसमेंट यहाँ कर दी। हाँ, एम्बिएंट लाइट लगा दी क्या? एम्बिएंट लाइट लगा दी, बिल्कुल बिना एम्बिएंट लाइट के थोड़ी। हाँ ऊपर लगा दी, लोग यहाँ लगाते हैं, हमने यहाँ लगा दी। अच्छा, जिससे डोर भी खराब ना हो और डोर भी खराब ना हो और लुकिंग भी थोड़ी काफी अच्छी। पूरी की पूरी एम्बिएंट लाइट की स्ट्रिप लग गई ना आपकी। बिल्कुल भाई, पीछे का भी देख सकते हो। विदाउट चाइल्ड लॉक आप चला के देख लो मेरे साइड के शीशे। हाँ
ये लो चल रहे हैं। हाँ ये आपने चढ़ा दिए। बिल्कुल। अब मैंने लगा दिया चाइल्ड लॉक। अब लो जी अब चलाओ। ये तो नीचे नहीं आ रहा। अब चाइल्ड लॉक लगा दिया ना इसके विदाउट कॉस्टिंग के साथ लगाइए। ऐसा नहीं कि उसके कॉस्टिंग अलग से लिए कस्टमर से। अच्छा पावर विंडो लगा के दिए ओनली ऑन 20,000 में। 20,000 में? 20,000 पावर विंडो है। जब भी तो बता रहा हूँ नवरात्रि स्पेशल है कि आपको 1,00,000 में गाड़ी आपके सैलन बन के मिलेगी। और बताओ। ठीक है भाई ठीक है। अंदर आ जाओ। एमिट लाइट की प्लेसमेंट आपने देखी ली है। वेलकम लाइट आपने दिखा दी। और उसके बाद दिखाइए सीट कवर जो कि रिंकल फ्री रहने वाले हैं टॉप मॉडल। बिल्कुल भाई आइस ग्रे के साथ है। हाँ आइस ग्रे नहीं बेज कलर। आइस ग्रे बताओ कैसा आइस ग्रे दिख रही है। आइस ग्रे यार 3 साल हो गए मेरे कलर से। कलर का कुछ वो नहीं लग रहा है। गाड़ी से पूरी मैच लग रही है। हाँ लग रही है छत के साथ मैच। क्योंकि सामने लगा सनग्लास होल्डर इसके वजह से लग रही है। ऊपर तो दिखाओ सनग्लास होल्डर ने इनका कर दिया कलर चेंज। क्या बात। लाइट ग्रे को बना दिया बेज कलर गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से। ठीक है भाई ठीक है बढ़िया। स्टीयरिंग तो भाई अच्छा उससे पहले दिखाओ स्टीयरिंग। पहले तो स्टीयरिंग दिखाओ एम वाले। अच्छा स्टीयरिंग दिखा देते हैं भाई। आवाज कम करो यार इसकी। तो भाई स्टीयरिंग की बात कर लेते तो स्टीयरिंग बहुत टाइट है। न्यूट्रल कर लो पाजी ये लो। तो भाई स्टीयरिंग में कंट्रोल लगा दिए और लगा दिए स्टीयरिंग रैप भी ओएम वाले कर दिया बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा जो ओएम फिटमेंट के साथ आती है। क्रूज वर्किंग नहीं है? नहीं क्रूज तो वर्किंग नहीं है झूठ नहीं बोलते पाजी। अच्छा ठीक है भाई बढ़िया। और आपको अगर मीटर मीटर चाहिए तो मीटर मिलेगा 8,200 रुपये का। 8,200 रुपये ठीक है। 200 सेकंड का रखा हमने। 8,000 7,000 8,000 नहीं 9,000 नहीं 8,200। उसके बाद आते हैं एसी के क्रोम्स। तो बहुत कम सजेशन होती है कस्टमर को चेंज कराने क्योंकि डैशबोर्ड खुलता है। हाँ। और कंपनी वाले कहते हैं वारंटी वाइट हो जाती है। बाकी अगर आपको अच्छी तो वही मिल अपने पास अवेलेबल है ओनली 5,500 का। अच्छा हाँ जी। बाकी मोटर से दिखाता हूँ और हमने क्या क्या करा इसमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई सनग्लास होल्डर की आप फिटमेंट देख सकते हो कितनी बेहतरीन यहाँ पे रहने वाली है। सीट कवर सबसे पहले हमने करी है डैम्पिंग जो कि दरवाजा खोलते हैं आपको पता लग जाएगा। डैम्पिंग से गाड़ी की जो लुक होती है ना अंदर जब हाथ लगाओगे किसी भी गाड़ी को आप दरवाजा खोलते ही पता लगेगा डैम्पिंग का फर्क क्या होता है। विदाउट डैम्पिंग के एक दरवाजा खोल के देख लो डैम्पिंग के साथ दरवाजा खोल के देख लो पता लग जाएगा दरवाजा कितना भारी हो जाता है दरवाजा कितना अलग लुक लगता है। ओके उसके बाद आते हैं हम नीचे की फ्लोरिंग पे। ओके तो 7D मैट से पहले हमने इसमें क्रोकोडाइल फ्लोरिंग करी है। ठीक है उसके हमने लगा दी इसमें 11D मैट। 7D को कैंसिल करो अब आ गए हम 11D और 12D का जमाना। 7D छोड़ दो। 7D छोड़ दो। हाँ जी 7D को छोड़ो उसके बाद लगाओ एंड्रॉइड वो भी 360 वाला। और कब हम वीडियो का शूट कर रहे हैं वो उसका किसका सीट कवर का जब आप बोलो पाजी हम तो हमेशा तैयार है कस्टमर को दिखाने के लिए। हम तैयार रहते हैं। आप थोड़ा आप कहते हो कल कल नहीं नहीं आप थोड़ा सा कस्टमर्स का प्यार इतना है काम आता है फुर्सत मिलते ही करते हैं नेक्स्ट वीडियो शूट। ओके उसके बाद आते हैं हम जो 360 का जो व्यू होता है। हाँ। वो कहते हैं लोग कैमरा क्यों लगवाना चाहिए बैक कैमरा 360 वर्थ इट नहीं है। तो 360 क्यों वर्थ इट नहीं है आपको पता लग जाएगा इससे। ये पीछे गाड़ी खड़ी है आपको दिख रही है बिल्कुल। यहाँ सारे एंगल आप चेक करके देख सकते हो राइट लेफ्ट सामने फ्रंट का देखना हो फ्रंट की रिकॉर्डिंग करनी हो। अच्छा वो भी हो जाएगी सारा कुछ हो जाएगा। फ्रंट रिकॉर्डिंग होता है चारों तरफ के कैमरे चल रहे होता है जो 3D कैलिब्रेशन होती है ना वो सारा करके देते हैं। ओके उसका 360 डिग्री कैमरे का जो सबसे मेन जो आपका मतलब होता है वो आपको ट्रैफिक जैम्स के लिए होता है। ट्रैफिक जाम में अगर आपको दिक्कत होती है चलाने में भैया कहीं गाड़ी में लगना जाए अपनी सेफ्टी के लिए तो सारी चीज़ें उसके लिए 360 कैमरा जरूरी होता है। बाकी हर किसी का अपना अपना बजट होता है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती है जैसे कि आपको छत ब्लैक कराना हो स्टार लाइट लगाना बिल्कुल, हो बिल्कुल। तो कस्टमर जितना चाहे उतना काम करवा सकता है। और बहुत जल्द आपको एक हाई क्लास की इंटीरियर की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जो कि हम अभी गाड़ी तैयार कर रहे हैं 1 से 2 दिन के अंदर वो गाड़ी भी रेडी हो जाएगी। और क्लासिक के अंदर आप मीटर के अलावा जैसे मैंने बताया एसी वेंट के क्रोम चेंज करा सकते हो बिल्कुल। स्टीयरिंग कंट्रोल में आप ये यू पियानो करा सकते हो ऐसे उनका फ्रेम आ जाएगा गियर कंसोल पियानो करा सकते हो। और उसके अलावा हमने इसमें लगाए हैं स्पीकर जो कि अपने रहने वाले पाइनर के पीछे लगाए हमने ओवल जो कि रहने वाले वो भी पाइनर के। okay. उसकी आवाज़ की साउंड सिस्टम भी आपको मैं भी सुनाने वाला हूँ। ठीक है तो भाई सीट कवर की तो बात हमने रहेगी है बीच में बर्फी तो, बीच में बर्फी नहीं पाजी मत, अच्छा, मतलब फ्रंट मत्थे पे बर्फी और सेंटर में आपके आगे 2.5 इंच के रूल। ओके रूलिंग है। हाँ ठीक है भाई मतलब विदाउट मतलब बिना किसी ज़्यादा कलर मिक्सिंग के भी A1 सीट पर बना के दे दियो। और सबसे मेन मुद्दा होता है हमारा रिंकल फ्री भाई 5,000 के अंदर बना दिए। हाँ पाजी पिटवाओगे कस्टमर से 5,000 कहाँ अपने पास स्टार्टिंग होती है 7,000 से और 14, 18, 22 जैसा आप पसंद करो ओरिजिनल लेदर के मिल जाएंगे।
और 7000 से अपना स्टार्टिंग हो जाती है बेस टू टॉप के लिए। ठीक है भाई, पीछे के सीट कवर की फिटमेंट दिखाता हूँ आपको एक बार। ये लो जी, हर जगह की दिखाओ, रिंकल लाओ तो सीट कवर फ्री ले जाओ, अपना वही वादा आज भी बरकरार है। बढ़िया लग रहे हैं भाई। और ये क्या बीच में? ये कस्टमर्स ने बोली है स्टार वॉर्स वाली लाइट्स। ओए अल्लाह, स्टार वॉर्स की गन है ये। सही है यार, ये तो मैं ले लूँगा, अभी कस्टमर से लेके दिलाते हैं आपको। चलो भाई बढ़िया, खेलते रहते। तो भाई सीट कवर की आप पीछे की फिटमेंट भी देख सकते हो, सिंगल पॉकेट, एक पॉकेट मिलने वाली है यहाँ पे, और गत्ते में साइड ये कप होल्डर। और क्या दिखा रहे हो? और क्या दिखा रहे हैं आप बताओ, क्या दिखाना है पाजी? वो दिखा देंगे हम। ये बीच में सारा पियानो कर दिया? बीच में पियानो नहीं, नॉर्मल जो फ्रेम लगता है हमने वही लगाया। S11 का भी ऑप्शन आता है, जैसे कस्टम बताया ना, आप संपादक जी की गाड़ी आपने देखी है, इनको जा रहा तड़क भड़कती धड़कती भड़कती गाड़ी नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो इन्होंने कुछ चीज़ें नहीं कराई है, जैसे कि बाहर की बॉडी पेंट भी आपने देखी, इन्होंने मना कर दिया है। बिल्कुल, S11 वाला ये भी बोला कि नहीं भैया हमें थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, सिंपल सोर ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी। बिल्कुल, बाकी आपने हमारी और भी वीडियोज़ देखी, उसमें सारा ही ये वाला S11 का फ्रेम भी हो जाता है, गियर कंसोल भी S11 वाला लग जाता है। बिल्कुल, सारा ही चीज़ आपको मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब जो आप डिमांड करेंगे वो मिलेगा। बाकी हमारी वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें की अवेलेबिलिटी है। एक बस इसमें कमी रहेगी आर्मरेस्ट की, जैसा कि मैंने बताया उनको पसंद नहीं था, इन्होंने काफ़ी चीज़ें छुड़वा दी है इसमें। अच्छा, जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते कस्टमर से। बिल्कुल, तो भाई एक बार रिव्यू ले लेते हैं कस्टमर का। बिल्कुल, रिव्यू लो, मतलब व्यवहार कैसा लगा, उन्हें काम कैसा लगा, और बाकी आप भी दिखा सकते हो काम इसमें हुआ कैसा है। कहीं पे जूम करके हर जगह दिखा दो, कहीं से हमने एक पेज किया, वायरिंग कहीं से गलत करी हो, या कहीं से फिटमेंट में कोई गलती हुई हो, कहीं भी थोड़ी सी भी कहीं गलती लगे आपको। पहुँच नहीं पाएंगे आनंद विहार, पहुँचने ट्रेन है 11:20 की, बस 12:20 की, बस बस खत्म ही है वीडियो, बस बस। हेलो भैया। हेलो जी। हेलो भैया। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आपका नाम? शहजाद अली। सुमित अरोरा। कहाँ से आए हो? बरेली से। क्या बात है, तो रोहित भाई को कैसे मिले थे आप? मैंने अभी जो है थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उसमें फिर मैंने ब्रीजा गाड़ी कराई थी अपनी, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा था आपका, तो फिर मैं रेफर करके अपने जीजाजी को लेके आया हूँ। ठीक है ठीक है, तो ऐसे मिले थे आप इनको है जी? ठीक है, और काम बढ़िया हो गया? काम एकदम बढ़िया, फैंटेस्टिक, बढ़िया हो गया काम? बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं भैया। ठीक है, तो रेटिंग कितना देना चाहोगे आप अगर काम अगर पसंद आए? रेटिंग भैया 10 out of 10 देंगे भैया, ना कोई आगे दिक्कत? 5 में से नहीं 10 out of 10। क्या बात, 5 में से नहीं 10। बाकी काम में कोई दिक्कत या स्टाफ के व्यवहार में कोई दिक्कत आई? नहीं नहीं, सब बढ़िया एकदम। कोई सर्विस हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आई हो? बिल्कुल बढ़िया एकदम। ठीक है भैया, आपको कैसा लगा काम? मुझे बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ गाड़ी ला के कोई ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी में बहुत टाइम लगा, बहुत जल्दी जल्दी सब ने मिल के काम किया, और अब मैं फ्री हो गया, अब जल्दी जा रहा हूँ घर। ठीक है, जितना भी गाड़ी में पैसा लगाया पूरा वर्थ लगा? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही लगा, नॉर्मल पैसे थे। ठीक है, ये तो नहीं लगा पैसा ज़्यादा दे दिया काम कम कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ आके मेरा 50% क्या नाम है कम हो गया पैसा। अच्छा। मैं दूसरी जगह जहाँ था उससे बहुत पैसा मेरा लग रहा था, मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपया मेरा बच गया। क्या बात है, तो और भी बंदों को रेकमेंड करोगे आइए काम कराइए? बिल्कुल, अगर कोई बंदा मिलने वाला होगा तो मैं उसके लिए ज़रूर बोलूँगा। मेरी भी अभी एक नेक्स्ट गाड़ी है जिप्सी, मैं उसे लेके आऊँगा यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा काम करवा। चलो भाई ठीक है, थैंक यू। ओके, तो रोहित भाई अपना बताइए एक बार एड्रेस। अपना एड्रेस रहने वाला है करोल बाग, रियांस कार डेकोरेशन, बाकी नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा। और आपको भी अगर S2 SLN बनवाना है तो आप ऐसे रियांस कार डेकोरेशन और पाजी के चैनल का सब्सक्रिप्शन दिखाओगे तो उस पर 10% का डिस्काउंट आपको अलग से दूंगा। अच्छा बिल जी, बिल के साथ 10%? हाँ ठीक है, एक बार बताइए कॉन्टैक्ट नंबर। ओनली लेकिन नवरात्रों में पाजी, ओनली नवरात्रों में। अच्छा हाँ जी, नंबर 4994410089। एक बार रिपीट कर दो, 99 99 44 10 89। तो भाई करते हैं फिर वीडियो एंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।